नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में कहा जाता रहा, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू स्वयं कहा करते थे एक दिन वो भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उस दौर में लालू को गुमान था कि वो किंग मेकर हैं। अहंकार में लालू इस कदर कि वो भारतीय संसद में लाल कृष्ण आडवाणी को जलील करना नहीं छोड़ते थे। उनके रथ को उन्होंने रोका, किस रूप में रोका, पार्लियामेंट के अंदर वो जलील करते थे एलके आडवाणी को। लालू का अहंकार सर चढ़कर बोलता था। लालू का अहंकार ऐसा कि वो आईएएस ऑफिसर से पिकदान मंगाते थे और तब उसमें अपने पान का पीक थूकते थे। लालू के बारे में ऐसे ऐसे किस्से सुर्खियों में रहे कि लालू दरअसल उच्च जाति के लोगों की अहंकार तोड़ना चाहते हैं, पिछड़ों के नेता बनने का गुमान पाल करके लालू पिछड़ों को ऐसा बनाते थे कि खुद बनते चले गए। लेकिन यह जानना जरूरी है कि एक दौर में ऐसा अहंकारी नेता आज किस कंडीशन में है, उसकी गर्त क्या है। अब सीबीआई का खौफ लालू यादव को इस हाल में कुछ सिखा रहा होगा। लालू यादव के अतीत के अपराधों को क्या उन्हें कुछ सीख दे रहा होगा, या लालू के इस हाल से राजनीति में जब अच्छे दिन हों तो अहंकार से सबको कुचलने का गुमान खुमार दूसरे नेताओं को लालू के इस हाल से कुछ सीखना चाहिए क्या। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में हैं, एक अस्पताल के बेड पर कराह रहे हैं। दुनिया को यह तब पता चला जब अपने मित्र शरद यादव की मौत पर उन्होंने अपनी एक श्रद्धांजलि भेजी है। जरा देखिए लालू के हालात को। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। जी, लालू का ये हाल इसलिए सिर्फ नहीं देखा जाए कि वो बीमार हैं तो ऐसे ही हैं। ये वो लालू है जिसका अहंकार सिर चढ़कर बोलता था। ये हाल लालू अस्पताल में सिंगापुर में हैं, बिहार पर एक छत्र राज करने वाले लालू युग को जंगल राज कहा जाता है। उस दौर में डॉक्टरों के अंदर खौफ इस कदर हुआ करता था कि जिस डॉक्टर के क्लिनिक बहुत चलते थे वहां लालू के गुर्गे वसूली करने पहुंचते थे। लालू के किस्से एक से एक हैं कि पटना में एक डॉक्टर साहब ने अपने
बेटी की शादी एक आईएएस ऑफिसर से कर दी। तो सुर्खियों में बात यह रही कि उन्होंने अपने दामाद को एक दामाद ने डॉक्टर साहब को कार भेंट की। शहर के एक एमएलए साहब आए, उन्हें कार पसंद आ गई, वो कार उठाकर ले गए ये कहते हुए कि थोड़ा ट्रायल करते हैं। अपने दामाद के मार्फत से जब कार ढूंढने के लिए डॉक्टर साहब निकले तो पता चला आखिर में वो लालू यादव के कोठी के अंदर साइड में पड़ी हुई थी। मतलब ये कि बिहार में डॉक्टरों के अंदर खौफ ऐसा रहा कि डॉक्टर बिहार छोड़कर भागने लगे। बिहार में आज इसीलिए बिहारी सबसे ज्यादा मरीज बनकर देश के दूसरे हिस्से में हैं, और लालू जैसे नेता जिसने पूरे बिहार को बदहाल और बर्बाद कर दिया, उस लालू ने इस एक अस्पताल बिहार में उस लायक नहीं रहने दिया, इसीलिए सिंगापुर में है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, लालू यादव के दौर में पूरा शिक्षा तंत्र चौपट हुआ, वो आज तक है। 6 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री बिहार के बच्चे लालू युग से पाते रहे हैं। ईश्वरीय न्याय देखिए कि बिहार के छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर देने वाले लालू यादव के दोनों बेटे में से कोई भी 10वीं पास नहीं कर पाया। यह अलग बात है कि लालू ने जो राजनीतिक साम्राज्य बिछाया उसके कारण उनके 9वीं फेल बेटे डिप्टी सीएम और 5वीं फेल बेटे प्रदेश के संस्कृति मंत्री बने हुए हैं, वो कल तक स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन मामला इस बात को समझने की है कि लालू की ये बदहाली, ये बेबसी, शरद यादव के मौत पर अपनी पीड़ा कि मैं बीमार में हूँ, इलाज करा रहा हूँ, ये सिर्फ यह नहीं बताता कि लालू जैसे लोगों ने पूरे बिहार को बीमार कर दिया, यह बताता है कि सीबीआई अब उनके मामले की जांच करते इसके निष्कर्ष पे पहुंची है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। जी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। दरअसल लालू यादव के खिलाफ 23 सितंबर 2021 को ही एफआईआर दर्ज हुआ था, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के ऊपर। ये घोटाला लालू के कुकर्मों का है। 2004 से 2009 तक जब लालू भारत सरकार में रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक से एक घोटाले किए। अब सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव, 5-5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में जमानत पे इलाज करा रहे हैं। सजा इस जीवन में खत्म नहीं होनी है। लालू अब कभी किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते, उनका वोट देने का अधिकार छीन गया हुआ है, क्योंकि एक अपराधी, सजायाफ्ता अपराधी वोट नहीं डाल सकता, तो लालू वोट नहीं डाल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का रूल कहता है। ऐसे में इस लालू प्रसाद यादव के तमाम लोकतांत्रिक अधिकार छीन गए। ये वो लालू प्रसाद यादव है जो कहा करता था कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आज न कल तो बनेगा। वो कहते थे कि जब हमने जिसको चाहा उसे प्रधानमंत्री बना दिया। वो कहते थे सूतने वाले और बेड पे मूतने वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनका इशारा मोरारजी देसाई और देवेगौड़ा पर था, उनका इशारा उनके द्वारा बनाए गए इंद्र कुमार गुजराल पर था। कहा जाता है कि देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री की कुर्सी इसलिए मिल गई कि लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव की राह में टांग अड़ा दिया और देवेगौड़ा को एहसास कराया कि तुम्हें हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। जब देवेगौड़ा के काल में ही लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला में चार्जशीट फाइल हो गई तो लालू प्रसाद यादव ने देवेगौड़ा को फोन कर धमकाया कि तुम्हें हमने प्रधानमंत्री बनाया है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। बंधु बिहारी किताब में शंकरशन ठाकुर ने इसकी शानदार व्याख्या की है। उसी लालू यादव ने फिर प्रधानमंत्री के निवास पर, जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, देवेगौड़ा से कहा ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें हमने प्रधानमंत्री बनाया। उस समय में संयुक्त मोर्चा की बैठक प्रधानमंत्री निवास पर थी। देवेगौड़ा ने धमकाया लालू को कि ये तुम्हारी भैंस नहीं है जिसे तुम हांकते चलो, ये भारत सरकार का, मैं भारत सरकार का प्रधानमंत्री हूँ, सरकार कैसे चलेगी
ये हम तय करेंगे। लालू इससे इतने नाराज हुए कि देवेगौड़ा की कुर्सी उनसे प्रधानमंत्री की कुर्सी छीनवा ली और फिर इंद्र कुमार गुजराल को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। गुजराल को उन्होंने एहसास कराया कि मैं तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री बना रहा हूँ ताकि CBI की कार्रवाई उन पर कम हो। गुजराल पर इस कदर एहसान था कि उस समय CBI जो डायरेक्टर बनाए गए थे, सरदार जी ने मानी नहीं गुजराल की बात, अपने इनसाइड स्टोरी में किताब में इस बात का पूरा जिक्र जोगिंदर सिंह तब के CBI डायरेक्टर ने किया है और उस किताब में पूरी व्याख्या इस बात की कि लालू यादव को के ऊपर कार्रवाई करना कितना मुश्किल था। लेकिन लालू जिसको किंग मेकर बनने का गुमान था कि हमने प्रधानमंत्री बनाया, मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा, उसकी दुर्गति आज दिखाई दे रही है। लालू यादव के खिलाफ अमित शाह के मंत्रालय ने CBI जांच की अनुमति दे दी है, मतलब अब लालू की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लेकिन इस हाल में लालू की गिरफ्तारी होकर क्या होगा? CBI उन्हें गिरफ्तार कर कहां ले जाएगी? जब सजायाफ्ता अपराधी मौज ले रहा है तो इस हाल में बदहाल लालू का क्या होगा? दरअसल ये एक CBI जांच की अनुमति लालू के लिए खौफ है कि उसके कर्मों की सजा उसके बच्चों को मिलनी है। भले ही लालू ने डिप्टी CM तेजस्वी को बना दिया, भले ही संस्कृति मंत्री उन्होंने अपने दूसरे बेटे को बना दिया, भले ही राज्यसभा उन्होंने मीसा भारती को भिजवा दिया, लेकिन इन सब पे शिकंजा है। दरअसल लालू यादव पर आरोप ये भी है, जिस मामले में अब जांच की अनुमति मिली है चारा घोटाला के अलावा, कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी देने के नाम पर, फोर्थ ग्रेड की नौकरी देने के नाम पर लोगों से जमीन छीन ली पटना में और फिर देश के अलग अलग हिस्से में उन सबको नौकरी दी गई। अब ये पूरा मामला इसलिए खुल गया कि लालू के OSD रहे भोला यादव को 27 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, 27 जुलाई 2022 को। अब कहा जाता है कि इस भोला यादव ने लालू के पूरे कुकर्मों की काला चिट्ठा खोल दिया है। OSD भोला यादव, अब सत्य ऐसी बात है कि नौकरी तो लालू ने दी, भ्रष्टाचार तो लालू ने किया, तो फिर सजा तेजस्वी को क्यों? क्योंकि इसका फायदा तो तेजस्वी ही ले रहे हैं। अब वो एक नाबालिग तो है नहीं कि उनके मूछ नहीं, अक्सर कहते हैं कि तब का मामला जब मुझे मूछ भी नहीं हुआ था। तेजस्वी राहुल गांधी की तरह रटे रटाए बाइट तो दे देते हैं, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल है कि ये पैसा उनके पास आया कहां से। तो बताएंगे कि उनके पिता ने भ्रष्टाचार किया, रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले दिलाने के बदले जमीन छीन ली। अब इस मामले में 12 लोग एक्यूज्ड हैं और सबकी गिरफ्तारी होनी है। तो सिंगापुर से क्या लालू की गिरफ्तारी होगी? क्या लालू अपने आंखों के सामने अपने पूरे कुनबे को जेल में देखेंगे? यही वक्त की मार है, यही लालू यादव होना है जिसे किंग मेकर होने का गुमान था। अब उन्हें यह जानकारी मिल गई है सिंगापुर के उस अस्पताल में कि CBI ने उनके खिलाफ इंक्वायरी की अनुमति पा ली है। उसी गृह मंत्रालय से जिसके मुखिया भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वही अमित शाह जब पटना में वो गए थे भाजपा अध्यक्ष के रूप में और एक लिफ्ट में वो फंस गए थे, तो लालू ने अमित शाह का मजाक उड़ाया था ये कहते हुए कि इतना बड़ा पेट वाला आदमी जब लिफ्ट में घुसेगा तो फंसेगा ही। सुना कि हमको बहुत हम इच्छुक थे कि कहाँ लिफ्ट में ही फंस गए थे, लिफ्ट में एक घंटा ले, इतना मोटा आदमी को लिफ्ट में घुसना ही नहीं चाहिए, बिहार का लिफ्ट छोटा छोटा है। अमित शाह बोल रहे हैं बड़का भारी मार्गदर्शक। सुना कि हमको बहुत हम इच्छुक थे कि कहाँ लिफ्ट में ही फंस गए थे, लिफ्ट में एक घंटा ले, इतना मोटा आदमी को लिफ्ट में घुसना ही नहीं चाहिए, बिहार का लिफ्ट छोटा छोटा है। अमित शाह बोल रहे हैं बड़का भारी मार्गदर्शक। लालू ने यह नहीं बताया कि पटना जैसे शहर में बिजली नहीं रहने के कारण लिफ्ट बंद हो गई थी और बिजली उस राज्य में कहाँ रहे जिस राज्य की राजधानी में नहीं रहती है।
ये हाल बिहार का लालू यादवों ने किया था। अब वही लालू यादव, इतना अहंकार पालने वाला लालू यादव की तस्वीरों को आपने देखा, उस निरीह और लाचार लालू यादव को। ये वीडियो, ये विश्लेषण यदि लालू जी तक पहुंचे तो यह जानना जरूरी होगा कि आज लालू क्या सोच रहे होंगे। इस बदहाली में, इस बर्बादी के दौर में, बुढ़ापा में बीमारी होना सामान्य बात है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन जो हाल लालू यादव का इस मौत के समय में है, उस हाल से वो कुछ तो सीख रहे होंगे कि अतीत में अपने किए गए कर्मों पर, अपने कर्मों की सजा दे रहे अपने बच्चों पर। लालू यादव ने बिहार के बच्चों की कई पीढ़ी तबाह की, पूरा शिक्षा तंत्र चौपट होकर के। तो बच्चे इस लायक नहीं हुए कि मैट्रिक की डिग्री ले सके, लेकिन लालू की राजनीतिक सत्ता के कारण बच्चे मंत्री तो बन गए, लेकिन जेल यानी कि तलवार भी तो लटक रही है। इसे ही वक्त की मार कहते हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि जब सीबीआई का खौफ लालू यादव को क्या सिखा रहा होगा। अब खौफ इस कदर, वो तो सजायाफ्ता अपराधी हैं, इसलिए उनको क्या खौफ, लेकिन असली पीड़ा इंसान को अपने बच्चों की तबाही अपनी आंखों से देखने की होती है। इस पूरे मामले में लालू का पूरा खुनबा, उनकी पत्नी, उनके दो बेटे, उनकी बेटियां एक्यूज्ड है। इसीलिए सिंगापुर से लालू वक्त के बदलाव को देख रहे होंगे, वक्त की ताकत को देख रहे होंगे। लालू इससे कुछ सीखें या ना सीखें, भारतीय राजनीति के सफेद पोशों के लिए लालू एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।